कीजिए, एक शेयर कीजिए। अभी देखिए ग्रेवी रेडी हो गया, अभी हम लोग इसको बंद करने वाला है। मस्त का ग्रेवी रेडी हो गया, आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाला है झाल चचड़ी, फिश झाल चचड़ी, ये बंगाली नाम है। और फिश झाल चचड़ी कैसे होते हैं आप लोग देखिए, पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए। अभी देखिए हम लोग झाल चचड़ी बनाने के लिए, अभी देखिए मछली फिश ले लिया मैं, 2 किलो फिश है, आप लोग देख सकते हैं 2 किलो फिश है। और इसमें हम लोग डाल रहा हूँ ग्रीन चिल्ली और ओनियन 1/2 किलो और हल्का सा चिल्ली पाउडर है ये। उसके बाद में देंगे हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मास्टर ऑयल है, मास्टर ऑयल देना जरूरी है। मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ये दे दिया, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट दिया हम लोग। उसके बाद में ये रहा देखिए सरसों है, मास्टर ये सरसों और जीरा दोनों पेस्ट है, गोटा जीरा ये देखिए। सरसों और जीरा दिया, और इसमें देंगे हम लोग हल्दी, हल्दी का ज़्यादा ज़रूरत होता है 10-12 ग्राम तक। ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और ये रहा नमक, बस इतना ही है। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ला लड़के, ये देखिए ऐसे इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। लगता है हल्का चिल्ली पाउडर चाहिए, चिल्ली पाउडर कम है। अभी आप लोग देख सकते हैं बराबर है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ये देंगे। पानी हल्का सा देंगे, देख सकते हो हल्का सा पानी इसमें देंगे, और थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। और थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर से देंगे इसमें। अभी इसको आराम से बैठा देंगे स्लो फ्लेम में। ऐसे बैठेंगे स्लो में, उसके बाद में हो जाएगा आराम से। अभी आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग स्लो फ्लेम में बढ़ाएंगे, एकदम स्लो फ्लेम में आराम से, क्योंकि मछली भी गलना है। अगर फास्ट बढ़ा देंगे तो मछली भी गलेगा नहीं, जल भी जाएगा और पानी भी मर जाएगा। ये देखिए एकदम स्लो, इसको ढकने का आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा खन बाद में आप लोगों को दिखाएंगे जब हो जाएगा। इसको ढक दिया तो आराम से होना है। अभी देखिए खोल रहा हूँ,
ये आराम से हो रहा है, देखिए अभी ये 5 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा इसको ढक देते हैं, मस्त का कलर भी आया। अभी देखिए ये मस्त का हो गया पूरा। आप लोग पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए। अभी देखिए ग्रेवी रेडी हो गया, अभी हम लोग इसको बंद करने वाला है। मस्त का ग्रेवी रेडी हो गया, आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।